एकदम सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ रवीला आटे का हलवा बनाना बहुत ही आसान है अगर आप मेरी कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। ये आटे का हलवा बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे कि हमें प्रसाद के रूप में मंदिर या गुरुद्वारे में मिलता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स, मैं हूँ शिल्पी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो आप इस रेसिपी को पूरा फॉलो करें जिससे आप भी इसको परफेक्ट बना पाए। आटे का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे गरम पानी लेंगे। तो मैंने 2 कप एकदम बॉइलिंग वाटर लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ बिल्कुल 1 कप नाप के शक्कर। हम इसको घोल लेंगे। शक्कर को मैंने अच्छे से घोल लिया है और ये काफ़ी क्लीन शक्कर है, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी शक्कर में कुछ पार्टिकल्स ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप इसको एक बार छान लें, उसके बाद ही यूज़ करें। तो आइए अब हम फटाफट आटे को भूनते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने एक पैन लिया है और इसमें डाल रही हूँ मैं 1 कप गेहूँ का आटा। तो ध्यान रखिएगा जिस कप से आप शक्कर नापें उसी कप से सारा सामान नापें, तभी आपका हलवा अच्छा बनेगा। हम इसको थोड़ी देर तक इसी तरह से भून लेंगे। ये देखिए आटे को मैंने बिल्कुल धीमी आंच पे 5 मिनट तक बिना घी के भूना है। अब हम इसमें डाल देंगे 3/4 कप मेल्टेड घी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हमें आटे को घी में भूनना है जब तक इसमें बहुत बढ़िया सा कलर ना आ जाए। तो हम टोटल मिला के इसमें 1 कप घी का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी मैंने इसमें 3/4 कप घी डाला है, 1/4 कप घी हम इसमें बाद में डालेंगे। तो हम इसको एकदम धीमी आंच पे भूनेंगे, इसी से जो आटे का हलवा है वो बहुत टेस्टी बनेगा। आटे और घी को मुझे अभी भूनते हुए करीब 5 मिनट हुए हैं और मैं इसको बिल्कुल धीमी आंच पे भून रही हूँ। तो आप देखें ये थोड़ा थोड़ा फूलना शुरू हो गया है, पर इसमें अभी वो डार्क ब्राउन कलर नहीं आया है जैसा कि हमें प्रसाद में जब हलवा मिलता है तब उसका कलर होता है। तो अभी हम इसको 5 से 6 मिनट और धीमी आंच पे इसी तरह से भूनेंगे जब तक कि इसमें एकदम वही बढ़िया वाला कलर ना आ जाए जो भी हमें प्रसाद में गुरुद्वारे या मंदिर में मिलता है। ये देखिए मैंने हलवे को अच्छे से भून लिया है और अब कलर देख लें, इतना ही कलर हमें इसका चाहिए भूनते भूनते। और अब हम इसमें शक्कर वाला पानी डालेंगे, तो धीमे धीमे करके पानी डालते जाएं और मिलाते जाएं। तो एकदम से सारा पानी मत डालिएगा और आप देखेंगे जैसे जैसे आप पानी डालते जाएंगे हलवा फूलता जाएगा। तो ये देखें मैंने इसमें पूरा 2 कप पानी डाला है। अभी आपको पानी ज़्यादा लग रहा होगा, पर जैसे जैसे आप इसको मिलाते जाएंगे आटा सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और हलवा एकदम सॉफ्ट और परफेक्ट बनेगा। तो बस इसको इस तरह से मिलाते जाएं। ये देखें आप हलवे ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और आप देखें कितना स्मूथ हो गया है। तो इसको हमें धीमी आँच पर करीब 5 मिनट तक और भूनना होगा, तभी इसमें बहुत अच्छा स्वाद आएगा। हलवे को मैंने 5 मिनट तक और भुना है, आप देखें इसने पैन के साइड्स एकदम छोड़ने शुरू कर दिए हैं। अब हम इसको बंद कर देंगे और इसके लिए फटाफट एक तड़का बनाएंगे। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप घी यूज़ किया है और हम इसमें डाल देंगे कुछ कटे हुए काजू और बादाम। इनको हम धीमी आंच पे एकदम क्रिस्प होने तक भून लेंगे। ये देखिए नट्स को मैंने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं कुछ नट्स जो है गार्निशिंग के लिए निकाल रही हूँ और अब ये गर्मा गर्म तड़का हम हलवे पर डालेंगे। मैंने गैस को ऑन रखा है और मैंने इसके ऊपर हलवा रख दिया है फिर से, और अभी ये गर्मा गर्म तड़का हम हलवे पे डाल देंगे और बस इसको 1 मिनट तक और भूनना है और हमारा हलवा बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर का यूज़ नहीं किया है, अगर आप चाहें तो इसमें फ्रेग्रेंस के लिए थोड़ा इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अगर आप इस विधि से हलवा बनाते हैं तो एकदम वही टेस्ट आएगा जैसा कि मंदिर में हमें प्रसाद मिलता है या फिर गुरुद्वार में जैसे कड़ा प्रसाद मिलता है। तो बस अब हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। तो ये देखिए कितना स्मूथ और सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी हलवा बनके तैयार हुआ है और आइए अब इसको सर्व करते हैं। अगर आप आटे का हलवा इन कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाएंगे तो आटे का हलवा बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे कि हमें प्रसाद के रूप में मंदिर या गुरुद्वारे में मिलता है। तो ट्राई ज़रूर करें एंड आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगे। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।